दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष विजय जी, भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए जिनको अपना नेता करके चयन किया है वो डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आज जिनका टिकट जाहिर हुआ है और आप सब लोगों की इतनी बड़ी संख्या ये इस बात को सिद्ध करती है कि रामवीर सिंह जी इस मतदान क्षेत्र से हजारों वोटों से जीतेंगे। ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता रामवीर सिंह जी, जिनके गीत, जिनका संगीत, जिनके शब्द आप सुनकर डोल रहे थे, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हम भाषण देने के बजाय इनका गाना ही सुनते रहे। ऐसे केवल गायक, संगीतकार, अभिनेता ही नहीं तो अब भारतीय जनता पार्टी के दबंग नेता मनोज तिवारी जी भी आज आपके साथ उपस्थित है। बहनों और भाइयों, चुनाव शुरू हुआ है। ये चुनाव डॉक्टर हर्षवर्धन जी, शीला दीक्षित जी के भविष्य की, भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव जो आप मेरे सामने झुकी झोपड़ी में रहने वाले गांव, गरीब, मजदूर, किसान है, इनके भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव है। आज महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची है। मैं टमाटर और प्याज के भाव आपको बताए गए, मुझे याद है सोनिया जी के समय पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने नारा दोहराया था कि सोनिया जी आई है, नई रोशनी लाई है, नहीं तो आई नहीं, ज्योति वो भी चली गई। कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, कांग्रेस पार्टी का नारा था, अब महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची है। अब लोग कह रहे कांग्रेस का हाथ गरीबों का जेब काटने वाला हाथ है, जो गरीबों का जेब काटने का काम कर रहा है। आप याद करिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, आप याद करिए उस समय गैस के सिलेंडर की कीमत कितनी थी, पेट्रोल की कीमत कितनी थी, डीजल की कीमत कितनी थी, शक्कर की कीमत कितनी थी, गेहूं की कीमत कितनी थी, चावल की कीमत कितनी थी, सब्जियों की कीमत कितनी थी। और आपने नारा दिया कांग्रेस पार्टी को, दिल्ली में भी चुन कर दिया, केंद्र में चुन कर दिया, 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा। यही कांग्रेस के नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी ने किया था कि हम 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। महंगाई कम होने के बजाय महंगाई आसमान पर जाकर पहुंचे। आज गरीब आदमी का जीना मुश्किल हुआ है, पीने के लिए पानी नहीं, गांव में रोड नहीं, बिजली नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं है। विजय गोयल जी ने सही कहा है, सस्ती दारू महंगा तेल, पौवा सस्ता हुआ और टमाटर और प्याज की कीमतें बढ़ गई, यही कांग्रेस की और शीला दीक्षित की कमाल है। और इसलिए लोग कह रहे वारे कांग्रेस तेरा खेल, सस्ती दारू महंगा तेल, पूरा तेल लगा दिया है। मुझे एक मित्र मिले थे, वो कह रहे थे, एसएमएस भेजा था उन्होंने, उसमें लिखा था दिल्ली के बारे में, उसने कहा था इधर गधे उधर गधे, सब तरफ गधे ही गधे, अच्छे घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे चौवन प्राण। बहनों और भाइयों, ये चुनाव कांग्रेस पार्टी को हटाकर दिल्ली के झुकी झोपड़े में रहने वाली गोर गरीब जनता के कल्याण कैसे हो और भारतीय जनता पार्टी का शासन आकर ये महंगाई को हम कम कैसा करेंगे और दिल्ली की जनता की तस्वीर को हम किस प्रकार से बदलेंगे, इसी बात का फैसला करने वाला चुनाव है। बात कर रहे थे रोड की, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रोड बनाने का काम मैंने किया,
आज मैं आ रहा था आपके रोड पर, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी को पूछ रहा था कि रोड पर लाइट नहीं थे, मैं सोच रहा था कि रोड कैसी हालत में, और उसी समय एक व्यक्ति हमारे सामने एक झंडे की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी साथ में थी, सायरन बज रहा था, तो हीरो होंडा पर बैठकर एक व्यक्ति अपने पत्नी को लेकर जवान आदमी जा रहा था और पीछे मुड़ मुड़ कर हमारी तरफ देख रहा था, वो देख रहा था डॉक्टर हर्षवर्धन, नितिन गडकरी और विजय गोयल एक गाड़ी में बैठे हमारे तरफ देख रहा था। मुझे लग रहा था कि वो मेरे तरफ देख देख कर मुस्कुरा कर देख देख रहा है, पर थोड़े देर के बाद मुझे पता चला कि वो मेरे तरफ, हर्षवर्धन जी के तरफ और विजय गोयल जी के तरफ नहीं देख रहा था, वो अपने पत्नी को हाथ लगाकर देख रहा था कि आई थी गिर गई। वाह, क्या कमाल है आपके रोड की। सब कुछ हो सकता है, पर आज हमारे गरीबी का कारण क्या है? मैं ना रहे भाइयों, गरीबों को जात पंथ धर्म और भाषा नहीं होती, गरीब गरीब होता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे क्रिश्चियन हो। सब्जी के बाजार में जिस भाव में टमाटर हिंदुओं को मिलेंगे, उसी भाव में मुसलमानों को मिलेंगे, उसी भाव में जैन और क्रिश्चियन को मिलेंगे। गरीबी का कारण क्या है? कारण यही है कि कांग्रेस पार्टी ने एक नारा लगाया है, मनोज जी आप जैसे गायक वैसे अनूप जलोटा के भजन थे, राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। तो कांग्रेस के नेता एक भजन गा रहे हैं कि सोनिया मनमोहन सिंह के नाम की लूट मची है तो लूट सके तो लूट। जितना लक्ष्मी दर्शन ले सकता है उतना ले, जितना लूटना है उतना लूट, और कह दे बस सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, और खत्म करो सोनिया। आसमान में 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ का घोटाला, ये हम नहीं कह रहे, सीए जी कह रहे, इनकी शीला दीक्षित ने कमाल किया, खेल किए, खेल में भ्रष्टाचार, 76,000 करोड़ का घोटाला। वो कलमाड़ी जेल में गया, पर कलमाड़ी ने केवल 1,600 करोड़ रुपए के बिल मंजूर किए थे, शीला दीक्षित ने 50,000 करोड़ के बिल मंजूर किए थे। शुगलू कमेटी ने शीला दीक्षित के सरकार का नाम लिखा था कार्रवाई करने के लिए, पर इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। आसमान में पैसे खाए, जमीन पर स्टेडियम बने उसमें पैसे खाए, और कांग्रेस वाले, मनोज जी आपसे भी बड़े कलाकार हैं, आप तो जमीन पर कला दिखाते हैं, ये जमीन के अंदर घुस गए और अपना मुंह काला करके कोयले में भी उन्होंने ऐसा माल कमाया कि 1,86,000 करोड़ का घोटाला किया। न जात पर, न बात पर, सोनिया की बात पर, खाओ खींचो, अपना लूटना है जितना लूटो, तो गरीब का कल्याण कैसे होगा? ये विदेशों में करोड़ रुपए जो काला धन है किसका है? ये काला धन किसका है? ये आपका पैसा है, गरीबों का पैसा है, ये देश के गांव गरीब मजदूर किसानों का पैसा है, ये 4,86,000 करोड़ रुपए लूट कर खाए ये भ्रष्टाचार, ये पैसा किसका है? ये पैसा आप सब लोगों का पैसा है। अगर यही पैसा ठीक से खर्चा हो जाता तो आपके गांव में मेट्रो आती, ऊपर से भी आती, अंदर से भी आती, आपको कोई तकलीफ नहीं होती, कंक्रीट के रोड बनते, गरीबों के मकान बनते, हर घर में 24 घंटे पानी मिलता और सस्ती बिजली मिलती, और हर बच्चों को अच्छी स्कूल और अच्छी कॉलेज मिलती, अच्छा अस्पताल मिलता, अगर ये पैसा आपके लिए खर्चा होता। पर कांग्रेस वालों ने आपके अधिकार का ये पैसा भ्रष्टाचार करके उसका गबन किया, और आपके मन में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को इस बात का पता है कि सरकार ने किए हुए अच्छे काम के भरोसे कांग्रेस की सत्ता आ नहीं सकती, तो कांग्रेस पार्टी जातिवाद और सांप्रदायिकता का जहर घोल के देश के मुसलमानों को कह रही है, देखो नरेंद्र मोदी आएगा तो तुम्हारे यहां दंगे फसाद होंगे, तुम्हारे ऊपर अन्याय अत्याचार होंगे, सुरक्षित रहना है तो कांग्रेस पार्टी को चुन कर। क्या मुजफ्फरनगर में दंगे नहीं हुए? क्या महाराष्ट्र में दंगे नहीं हुए?
और डर पैदा करके कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतना चाहती है, ये कांग्रेस पार्टी के षड्यंत्रों को ध्यान में रखती है। जात पात की बात छोड़ दीजिए, देश का तकदीर बनाइए। हमारा हिंदुस्तान को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान का सपना, यही भारतीय जनता पार्टी का विचार है। बहनों और भाई, हम देश के लिए काम करना चाहते हैं। हम गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी इस देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार देना चाहती है ताकि वो ईमानदारी से काम कर सके। सब कुछ हो सकता है। मैं दिल्ली के लिए नया हूं, मनोज जी मुंबई में बता रहे थे, हमारी सरकार थी, मैं मंत्री था, 10 करोड़ सरकार से लिए, 4000 करोड़ रुपए मैंने जनता से खड़े किए। आप टीवी पर देखते हैं जो वर्ली बांद्रा सीरिंग प्रोजेक्ट है समुद्र में, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, मुंबई में 55 उड्डान पुल, और आपके जितने ब्रिज बन रहे हैं, इस ब्रिज का जो कोड है वो भी नितिन गडकरी कोड के नाम से प्रसिद्ध है, जो भी बनाने का काम मैंने किया है। बहनों और भाइयों, 8000 करोड़ रुपए के काम के जनता ने पैसे दिए, पैसे वापस भी कर दिए। हिंदुस्तान में पैसे की कमी नहीं है, हमारा देश धनवान है, पर हमारी जनता गरीब है। रिच नेशन विद ए पुअर पॉपुलेशन। हम धनवान देश के गरीब नागरिक क्यों है? हम महंगाई से त्रस्त क्यों है? हमारे हाथों को काम क्यों नहीं है? हमारे बच्चों को अच्छी स्कूल क्यों नहीं है? हमारे गांव में अच्छा अस्पताल क्यों नहीं है? हमारे गांव में अच्छे रोड क्यों नहीं है? हम आज महंगाई से त्रस्त क्यों है? इन सब सवालों का एक ही जवाब है कि जब तक कांग्रेस है तब तक हिंदुस्तान के गरीबों की तस्वीर कभी नहीं बदल सकती। जब तक कांग्रेस है तब तक भ्रष्टाचार है, जब तक कांग्रेस है तब तक महंगाई है, जब तक कांग्रेस है तब तक कभी विकास नहीं हो सकता। ये काले पत्थर की सफेद लकीर है। 1947 में स्वाधीनता मिली, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। पंडित जी ने कहा गरीबी दूर करेंगे। इंदिरा जी आई, उन्होंने कहा गरीबी हटाओ। राजीव गांधी आए, उन्होंने कहा गरीबी हटाओ। फिर सोनिया गांधी आई, उन्होंने कहा गरीबी हटाओ। अब पंडित जी का पोता राहुल गांधी भी गरीबों के घर में जाकर भाकर खाकर नाटक करके कहता है गरीबी हटाओ। अरे किसकी गरीबी थी? क्या हिंदुओं की गरीबी थी? क्या गुजर, जाट, मुसलमान, हिंदू, किसकी गरीबी थी? क्या दलितों की गरीबी थी? वनवासियों की गरीबी थी? बहनों और भाइयों, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की और चेले चपाटों की गरीबी हटी, आम आदमी और गरीब होते जा रहा है और धनवान धनवान होते जा रहा है। और यही सोनिया गांधी की सरकार कहती है कि दिल्ली जैसे शहर में जिस व्यक्ति की रोज की आमदनी 32 रुपए से ज्यादा 33 रुपए प्रतिदिन है वो धनवान है, और गांव में रहने वाले जो लोग हैं जिनकी रोज की आमदनी 26 रुपए से ज्यादा 27 रुपए प्रतिदिन है वो धनवान है। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि 999 रुपए अगर एक व्यक्ति की कमाई महीने की होगी तो मनमोहन सिंह और सोनिया जी कहते हैं कि आप धनवान करके जीवन जी सकते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि 100 रुपए किलो टमाटर, 80 रुपए किलो प्याज अगर होगा तो 999 रुपए सोनिया जी, आप हमारे देश की गरीब जनता का मार्गदर्शन करिए कि 999 रुपए में हम कैसे गरीब धनवान करके जीवन जी सकते, हमको बताइए। बहनों और भाइयों, आज हमारा देश संकट में है, देश का दिवाला पिट चुका है। 47 में देश को स्वाधीनता मिली तो $1 की कीमत 1 रुपया थी। आज कांग्रेसियों ने देश का बैंड बाजा बजा दिया है, $1 की कीमत 68 रुपए पर चली है। महंगाई और इन्फ्लेशन का रेट दुनिया में सबसे ज्यादा 18% हो गया,
हालत खस्ता हुई है, देश संकटों से गुजर रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हर्षवर्धन जी हो, विजय गोयल हो, नितिन गडकरी हो, हमको इस बात की चिंता नहीं है कि हमारे में से कोई प्रधानमंत्री कैसे बने, कोई मुख्यमंत्री कैसे बने, कोई मंत्री कैसे बने, कोई एमपी कैसे बने, कोई एमएलए कैसे बने। बहनों और भाइयों, हमारे मन में एक ही चिंता हमको सता रही है कि हम कुछ भी नहीं बने तो चलेगा, पर हमारा देश कैसे बचेगा, हमारा देश कैसे बचेगा, ये चिंता। आज निरपराध लोग मर रहे हैं। पटना की सभा में बम ब्लास्ट हुए, पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे और आतंकवादी आकर निरपराध लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। हम मुसलमानों के विरोध में नहीं, हम आतंकवादियों के विरोध में हैं जो निरपराध लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। पाकिस्तान को पता चला कि 3 बार लड़ाई लड़ने के बाद हम हिंदुस्तान को नहीं हरा सकते, तो आईएसआर पाकिस्तान ने योजना बनाई और आतंकवादी और आतंकवादी संगठन हिंदुस्तान के अंदर आकर यहाँ के हिंदू और मुसलमानों को लड़ाकर जातीय और सांप्रदायिक दंगों को यहाँ निर्माण करके इस देश की शांतता को और अहम समाप्त करना चाहते हैं। पर कांग्रेस वाले वोट बैंक के राजनीति के लिए आतंकवादियों के सामने घुटने टेक पर खड़े हैं। इस अफजल गुरु ने हमारे पार्लियामेंट को ध्वस्त करने का मास्टर माइंड था, उसको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी इस कांग्रेस पार्टी की ब्रिटिश सरकार उनको फांसी सजा देने के लिए 7 साल का समय लगा। गुनेगार गुनेगार होता है, न हिंदू होता है न मुसलमान होता है, गुनेगार गुनेगार होता है, उसको जात पंथ धर्म और भाषा नहीं होती। अगर हिंदू ने बलात्कार किया तो उसको माफ करो और मुसलमान ने बलात्कार किया तो उसको सजा दो, ऐसा नहीं होता। कानून एक ही कहता है कि गुनेगार गुनेगार होता है। हमारे बटला कांड में हमारे पुलिस अधिकारी शहीद हुए, ये केजरीवाल ये कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे कोर्ट के निर्णय के बाद भी फेथ इनकाउंटर है। मैं उत्तराखंड के चुनाव के प्रचार में एक गांव में हेलीकॉप्टर में वरी राइट रहा था, एक बूढ़े व्यक्ति ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कहा नितिन जी पहले जवाब दो। मैं बाहर बाजू जाकर खड़ा हुआ, बोला बताओ बाबा जी क्या पूछना चाहते हो। बोले शर्मा पुलिस अधिकारी मेरा पुत्र था, वो देश के लिए शहीद हुआ, पर मेरे परिवार को सांत्वना देने के लिए कोई नेता कांग्रेस का नेता मेरे घर पर नहीं आया। पर अलीगढ़ में आजमगढ़ में आतंकवादी मारे गए, उनके घरों पर बार बार कांग्रेस के नेता चक्कर काट रहे हैं। क्या हमारा बेटा मर गया, क्या उसका खून हिंदू था, क्या यही उसका गुनाह था? बहनों और भाइयों, हम हिंदू मुसलमानों को लड़ाना नहीं चाहते, हम सबका कल्याण करना चाहते हैं, सबके साथ न्याय होगा और सबको समान विकास का मौका मिलेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, यही भारतीय जनता पार्टी का विचार है। मैं किसानों में काम करता हूं, 3 चीनी मिलें चलाता हूं, 15,000 युवाओं को रोजगार दे चुका हूं। बहनों और भाइयों, 70,000 एकड़ गन्ना लगाया है, 15,000 लोग काम करने वाले हम ही कार्यकर्ता मिलकर चलाते हैं। मेरे जात के 25 भी लोग काम के नहीं लगे, वहां गांव के गरीब लोगों के लड़के काम को लगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमको जात की राजनीति सिखाई नहीं, जात पंथ धर्म भाषा के आधार पर हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति उसके जात से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है, इसी बात पर हमारा विश्वास है। हम हिंदुस्तान की तस्वीर को बदलना चाहते हैं, हिंदुस्तान को गरीबी भुखमरी बेरोजगारी महंगाई से मुक्त करना चाहते हैं, हिंदुस्तान को दुनिया की नंबर एक की ताकत बनाना चाहते हैं। हम दिल्ली को भी बदलना चाहते हैं और हिंदुस्तान को एक तस्वीर को भी बदलना चाहते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी।